नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक पर साधा निशाना, कहा राकापा का तोता रोज बोलता है। नागपुर शहर में हत्याओं का सिलसिला जारी, शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। और मोहाड़ी में पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की गला काट कर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर कहा कि बीजेपी समीर वानखेड़े को बुलाने में अमीर है। समीर वानखेड़े को बीजेपी का तोता कहा जाता है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक की आलोचना का जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को संबोधित करते हुए कहा कि राकापा का तोता रोज बोलता है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर कहा कि बीजेपी समीर वानखेड़े को बुलाने में अमीर है। समीर वानखेड़े को बीजेपी का तोता कहा जाता है। इसमें देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक की आलोचना का जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को संबोधित करते हुए कहा कि राकापा का तोता रोज बोलता है। दिवसभर काहीतरी बोलत असतात आणि मला असं वाटतं की आता सध्या त्यांना दुसरं काही कामही नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर रिॲक्शन देण्याचं काही कारण नाही। राष्ट्रवादीचा पोपट रोज बोलतो आहे ना, त्याच्यामुळे कोण कोणाचा पोपट आहे मला असं वाटतं की तुमच्या करता हे महत्त्वाचं असेल, आमच्या करता महत्त्वाचं नाही। नागपूर शहर में हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। शहर में रोजाना 2-3 हत्या की वारदात होने से आम जनता में डर का माहौल बना है। वहीं गुरुवार देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र में भी हत्या का मामला सामने आया। क्राइम कैपिटल के नाम से एक बार फिर नागपुर शहर का नाम सामने आ रहा है। रोजाना हत्याओं की घटनाओं से उपराजधानी दहल रही है, जिससे शहर के नागरिक में दहशत बढ़ती जा रही है। वहीं आरोपियों में पुलिस का खौफ कम होते नजर आ रहा है। गुरुवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। शराब के नशे में एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू की है। मैताचं नाव कमलेश हिरडे आहे असं त्याच्या दवाखान्याच्या कागदपत्रावरून समजलेलं आहे। अजून त्याचे नातेवाईक कोण मिळाले नाहीत। सकाळी कोणा व्यक्तीला तो तिथं संशयास्पद स्थितीत पडलेला दिसला, त्यावरून त्याने पोलीस स्टेशनला कळवल्यावरून पोलीस तिथे पोहोचले तर त्याच्या डोक्यात टिकास मारून मर्डर झालेला आहे। त्याचे सोबती जे सोबत खाणार पिणारे होते काही त्यांच्याकडे आम्ही चौकशी करत होत आहेत। अजून नक्की काय कारणानं मर्डर झाला ते निष्पन्न व्हायचं आहे, लवकरच होऊन जाईल असं आम्हाला वाटतं। मय्यत आहे काय काम धंदा करते यामध्ये? मय्यत हा फुटपाथला झोपायचा आणि मिळेल ते छोटी छोटी कामं करायचा एवढं समजलेलं आहे। भंडारा जिले के मोहाड़ी शहर में पड़ोसियों के बीच हुए मामूली विवाद में हत्या की गई। आरोपी ने खुद मोहाड़ी पुलिस स्टेशन आकर हत्या की जानकारी देकर आत्मसमर्पण किया। गांधी वार्ड में देर रात शराब के नशे में कार तोड़फोड़ करते हुए गाली गलौज करने से दो पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद में एक पड़ोसी ने दूसरे की गला काट कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने खुद मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की जानकारी देकर आत्मसमर्पण किया। जानकारी के अनुसार 49 वर्षीय मृतक गंगाधर उर्फ बंग्या नथू निमजे और 21 वर्षीय आरोपी आकाश विजय श्रीपाद का आस पड़ोस में घर है। उनका एक दूसरे के घर भी आना जाना था, लेकिन मृतक गंगाधर निमजे ने शराब पीकर आरोपी आकाश श्रीपाद के घर जाकर उसकी मां के साथ झगड़ा किया और कार की तोड़फोड़ भी की, जिस कारण गुस्से में आकर आकाश श्रीपाद ने साइकिल के काटेरी कुंपन गियर पूरे ताकत से मृतक गंगाधर निमजे के गले पर मारा, जिससे गंगाधर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। 27 तारखेला संध्याकाळी 10 वाजण्याच्या दरम्यान त्यातला जो मयत आहे गंगाधर निमजे तो ह्यातल्या आरोपीच्या घरी गेला आणि त्यानं त्याचा TV आणि ओमिनी कार होती त्याची तोडफोड केली। त्या कारणावरनं आणि त्याच्या आईला पण आरोपीच्या मारहाण केली। त्या कारणावरनं जो आरोपी आहे वय 23 वर्षाच्या आसपासचं वय आहे त्याचं, त्यानं या मैताला सायकलचं जे गियर असतो पॅडलचा त्यानं गळ्यावरती मारून त्याची हत्या केलेली आहे। त्या अनुषंगानं मैताची पत्नी विद्या निमजे यांच्या तक्रारीवरनं पोलीस स्टेशनला कलम 302, 452 आणि 323 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे।
तपासामध्ये आरोपी अटक आहे, त्याच्या पोलीस कोठडी रिमांड घेण्यात आलेला आहे आणि पुढचा तपास चालू आहे। नागपुर के पांच पौली पुलिस ने एक आरोपी को दो वर्ष के लिए अमरावती में तड़ीपार किया। आरोपी का नाम 23 वर्षीय प्रफुल्ल वानखेड़े है। नागपुर के पांच पौली पुलिस ने एक आरोपी को दो वर्ष के लिए अमरावती में तड़ीपार कर दिया है। यह आरोपी 23 वर्षीय प्रफुल्ल उर्फ चिंटू वानखेड़े है। यह आरोपी खटिकपुरा पांच पावली का रहने वाला है। इस आरोपी पर छेड़खानी, चोरी, खून की धमकी देने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रफुल्ल उर्फ चिंटू चंदूजी वानखेड़े वय 23 वर्ष राहणार शीतला माता मंदिर जवळ खटिकपुरा पांच पावली असा हा रेकॉर्ड वरचा आरोपी होता। त्याच्यावर शरीराविरुद्धचे आणि मालमत्तेचे विरुद्धचे गुन्हे दाखल आहेत, जबरी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि दिवसेंदिवस तो समाजाला घातक होत चालला होता। त्याच्यावर प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन पण घेतले आपण, प्रतिबंधक कारवाई सुद्धा केली, पण त्याच्यावर नक्कीच कोणताही फरक पडत नव्हता। म्हणून त्याचा तडीपार प्रस्ताव महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 56(अ)(ब) अन्वये आम्ही त्याचा तडीपार प्रस्ताव करून माननीय झोनत्री सरांना, DCP झोनत्री सरांना सादर केला होता। त्याच्यामध्ये संपूर्ण प्रक्रिया होऊन माननीय DCP झोनत्री सरांनी त्याचा 2 वर्षाकरता तडीपार आदेश काढलेला होता। काल त्या आरोपीला आम्ही ताब्यात घेऊन आज त्याच्या विरुद्ध सदर आदेशाची अंमलबजावणी करून अमरावती येथे वरुड येथे त्याचे नातेवाईक राहतात असं त्यांनी सांगितलेले आहे। आज त्याला वरुड येथे सोडण्याकरता आमचे पोलीस रवाना झालेले आहे। कामठी रोड पर गुरुवार की दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। रिश्तेदार के राख विसर्जन का कार्यक्रम निपटा कर दुपहिया वाहन पर घर लौट रहे दंपति के दुपहिया वाहन को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। पत्नी ट्रक के नीचे कुचली गई जबकि पति बुरी तरह जख्मी हो गया। मृतका इमामवाड़ा निवासी सारिका अजय धनविजय बताई गई। पति अजय धनविजय का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि सारिका मेयो अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। अजय महानगर पालिका में काम करते हैं। कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार का देहांत हो गया। सारिका और अजय उनके राख विसर्जन के कार्यक्रम के लिए बिना संगम गए थे। दोपहर 2:30 बजे के दौरान दुपहिया वाहन पर वापस लौट रहे थे। आशा अस्पताल के पास एक ट्रक चालक ने अजय की गाड़ी को ओवरटेक करते समय कट मार दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया। अजय बाईं तरफ गिरे जबकि सारिका पीठ के बल रास्ते पर गिरी। इसी समय ट्रक के पिछले चक्के के नीचे आ गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आगे पीछे और भी रिश्तेदार चल रहे थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बुरी तरह से जख्मी उपचार के लिए उन्हें निजी अस्पताल रवाना किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सारिका और अजय को 2 छोटे बच्चे हैं। इस हादसे से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य के सार्वजनिक बांधकाम, वन व सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने रवि भवन में शीत सत्र के पूर्व तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा की। नागपुर में शीत सत्र होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है। शुक्रवार को इस पूर्व तैयारी का जायजा लेने के लिए रवि भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य के सार्वजनिक बांधकाम, वन व सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने शीत सत्र के पूर्व तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को शीत सत्र संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे। पांच पौली पुलिस ने आरोपी हर्ष उर्फ हर्षल रतन टेम्भेकर को धारा 307, 394,
143, 147, 148, 149 सह कलम 3(1) मको का कानून के तहत गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस की आगे की जांच जारी है। 29 जुलाई 2021 को 7 आरोपियों ने मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। इसीलिए उन पर धारा 307, 394, 143, 147, 148, 149 भादवी सहकलम 4, 5, 7, 25, 27, 1 बाह का सहकलम 3(1) मको का कानून के तहत विशाल विजय मेश्राम उम्र 27 वर्ष, शुभम पंडरी खापेकर उम्र 23 वर्ष, गौरव उर्फ सागर बाल्या कटारे उम्र 22 वर्ष, अर्जुन उर्फ आलू जीवन ब्राह्मणे उम्र 24 वर्ष, हर्षल रतनदीप ठेबेकर उम्र 27 वर्ष, रोशन राजू मेश्राम, विक्रांत विजय मेश्राम इनकी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन अब तक हर्षल टेम्बेकर फरार था, जिसे पांच पावली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे की जाँच शुरू है। दिनांक 29 जुलाई 2021 जी आरोपी है विशाल विजय मेश्राम, शुभम पंडरी खापेकर, गौरव उर्फ सागर बाल्या कटारे, अर्जुन उर्फ आलू जीवन ब्राह्मणे, हर्षदीप उर्फ टपरी उर्फ हर्षल रत्नदीप टेंबेकर, रोशन राजू मेश्राम आणि विक्रांत विजय मेश्राम अशा 7 आरोपींनी संघटितरित्या गुन्हा केलेला आहे। 307, 394, 143, 147, 148, 149 भादवी सहकलम 4, 5, 7, 25, 27 भारतीय हत्यार कायदा या अंतर्गत हा गुन्हा त्यांनी केला होता। त्या गुन्ह्यामध्ये वर नमूद जे आरोपी आहे, 5 आरोपी विशाल विजय मेश्राम, शुभम पंडरी खापेकर, गौरव उर्फ सागर बाला कटारे, अर्जुन उर्फ आलू जीवन ब्राह्मणे अशा आरोपींना यापूर्वी अटक करण्यात आलेली आहे गुन्ह्यामध्ये 4 आरोपींना। परंतु यातला जो हर्षदीप उर्फ टपरी उर्फ हर्षल रत्नदीप टेंबेकर हा आरोपी आहे, तो अद्याप पावित फरार होता। या आरोपींनी यापूर्वीही संघटितपणे गुन्हे केलेले होते, त्यामुळे सदर गुन्ह्यामध्ये त्यांच्या विरुद्ध मोका कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याचा तपास माननीय ACP सचिन थोरबोले सर ACP लकडगंज हे सध्या करीत आहे। या गुन्ह्यामध्ये हा आरोपी जो आहे हर्षदीप उर्फ टपरी उर्फ हर्षल रत्नदीप टेंबेकर राहणार लष्करी बाग हा फरार होता। त्याचं लोकेशन गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा येथे आहे असं आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्यानुसार आम्ही DBची टीम रवाना केली होती। हेड कॉन्स्टेबल विजय यादव आणि त्यांचं पथक सदर ठिकाणी रात्री गेले होते आणि त्याला त्याच्या राहती करून आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये अटक करून माननीय ACP सरांनी त्याचा 5 दिवस PCR मिळवलेला आहे आणि सध्या तो PCR आहे। राज्य में जिला परिषद व पंचायत समिति में OBC सीटें रद्द होने के बाद 5 अक्टूबर को हुए उपचुनाव का परिणाम 6 अक्टूबर को आया था। उसके बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों में उपाध्यक्ष, समिति सभापति, पंचायत सभापति और उपसभापति के चुनाव होने थे। नागपुर जिलाधिकारी ने सभापति और उपसभापति का चुनाव 28 अक्टूबर और जिला परिषद उपाध्यक्ष पद का चुनाव 29 अक्टूबर को किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने 26 अक्टूबर को इस संदर्भ में सरकार से मार्गदर्शन मांगने का कारण देते हुए इस चुनाव को स्थगित कर दिया था। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब उपाध्यक्ष व सभापति उपसभापति पद के चुनाव 11 और 12 नवंबर यानी दीपावली के बाद होंगे। जिले में 16 जिला परिषद सर्किल का OBC सदस्यों की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते रद्द हुई थी। वहीं इसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के 31 सीटों पर सदस्यों की मान्यता रद्द कर दी गई। इन सभी OBC सीटों पर ओपन कैटेगरी के तहत 5 अक्टूबर को उपचुनाव हुए और उसका परिणाम 6 अक्टूबर को आया। जिला परिषद में रद्द सीटों के चलते उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, भाजपा के गट नेता अनिल निधान, रांका गट नेता चंद्रशेखर कोल्हे की सदस्यता भी हाथ से गई। चुनाव में कुंभारे और कोल्हे की पत्नियों को महिला आरक्षण के चलते टिकट दी गई थी। अनिल निधान हार गए। कुंभारे की सदस्यता रद्द होने से उपाध्यक्ष पद की कुर्सी भी खाली हो गई। वहीं पंच में 4 सभापति और 3 उपसभापति के पद भी रिक्त हो गए। उपाध्यक्ष सहित कुल 8 पदों के लिए चुनाव होने वाले हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष पद पर तो पूर्व उपाध्यक्ष कुंभारे की पत्नी सुमित्रा कुंभारे का बैठना तय माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर को पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें उनके नाम पर मुहर लगा दी गई थी, लेकिन अचानक ही जिलाधिकारी ने सरकार से मार्गदर्शन मांगने के लिए चुनाव ही स्थगित कर दिया। वैसे भी अब जो नया पदाधिकारी बनेगा उसे इस कार्यकाल में काम करने के लिए महज 6 महीनों का समय ही मिलने वाला है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता रद्द की थी, जिसे 9 महीने पूरे हो चुके हैं।
उपाध्यक्ष के पास बांधकाम और स्वास्थ्य समिति सभापति पद की जिम्मेदारी होती है। वर्धा के छत्रपति चौक में राष्ट्रवादी ने महंगाई के विरोध में आंदोलन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर उसमें महंगाई का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में आक्रोश आंदोलन किया गया। इस दौरान चूल्हा जलाकर उसमें महंगाई के राक्षस का दहन किया गया। साथ ही महिलाओं ने चूल्हा जलाकर आंदोलन किया। देश में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, ईंधन, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाद्य तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। इस बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जेव्हा या भारतामध्ये 2014 च्या आधी अच्छे दिन यायचे होते तेव्हा या भारतामध्ये इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये पर बॅरल $102 प्रति बॅरल हा क्रूड ऑइलचा रेट होता। आणि त्यावेळेस या देशामध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आणि काँग्रेसचं सरकार होतं त्या सरकारनी फक्त 74 रुपये लिटरनी या देशामध्ये पेट्रोल त्यावेळेस होतं आणि 57 रुपये भावानी डिझेल होतं। आज जर बघितलं तर प्रति बॅरल रेट हा इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये क्रूड ऑइलचा $74 आहे, पण या अच्छे दिनमध्ये आजच्या डेटमध्ये आजचा पेट्रोलचा रेट 114 रुपये आहे आणि जर तुम्ही डिझेलचा रेट पकडला तर 104 रुपये आहे। त्यावेळेस सबसिडाईज सिलेंडर हे 491 रुपये होतं आणि आजच्या डेटमध्ये सबसिडीची पूर्ण आई बहीण एकत्र करून यांनी त्याचा जो रेट आहे तो 950 रुपये ठेवलेला आहे। आजच्या डेटमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर बेरोजगारीचा जो दर होता तो 2.2 होता मागच्या 2014 पर्यंत, ते 6.1 आहे। हे जे नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे भक्त प्रत्येकाला म्हणतात की तुम्ही पाकिस्तानमध्ये जा, तुम्ही जर त्यांच्या फेवरमध्ये बोलले नाही तर या देशाचा पाकिस्तान करण्याचा जो विडा आहे तो भाजपच्या सरकारने उचलला आहे। राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपूर विद्यापीठ की ऑफलाइन सिनेट बैठक दुसरे दिन भी कार्यवृत्त पर चर्चा में ही निकल गई। सभागृह में करीब 6 घंटे कामकाज तो चला लेकिन किसी भी ठोस मुद्दे पर निर्णय नहीं हो सका। दोनों दिन न ही प्रश्नोत्तर हुए और न ही प्रस्ताव रखे गए। सदस्यों के 18 महीनों का मौन कार्यवृत्त पर चर्चा शोर शराबा में गूंजता रहा। पिछले 18 महीनों से विद्यापीठ की ऑफलाइन सीनेट बैठक नहीं हुई है। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई सभी ऑनलाइन ही ली गई। ऑनलाइन बैठक में सदस्यों को अपने विचार, शंका और समाधान के लिए समय नहीं मिला था। यही वजह रही कि दोनों दिन की ऑफलाइन बैठक में एजेंडे के अनुसार चर्चा करते हुए कार्यवृत्त को रखा गया। सदस्यों का कहना है कि बैठक का बैकलॉग होने की वजह से ही प्रश्नोत्तर काल नहीं हो सका, जबकि सभागृह की परंपरा होती है कि हर दिन प्रश्नोत्तर काल हो। गुरुवार को नूटा के अजीत जाचक व नितिन कोंगरे ओम प्रकाश चिमनकर ने अपनी आवाज बुलंद की। वहीं कुछ सदस्यों ने उपकुलपति का समर्थन किया। सभागृह का कामकाज चलाने में उपकुलपति को दिक्कतें आई, यह उजागर हो गया। होमवर्क की कमी, नियमों पर उंगली रखकर कामकाज चलाने का ही नतीजा रहा कि छात्र, कॉलेज और प्राध्यापकों के मुद्दे उपस्थित ही नहीं हो सके। आखिरकार बैठक को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। अब अगली बैठक दिवाली की छुट्टियों के बाद होगी। प्रस्तावों पर प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय पर सदस्यों की आपत्ति से सीनेट शुरू हुई। इसमें ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षा विभाग में अध्यापन के अनुभव के आधार पर स्नातकोत्तर प्राध्यापक के रूप में मान्यता का प्रस्ताव रखा गया था। इसे विद्युत परिषद ने अमान्य कर दिया। विद्युत परिषद द्वारा प्रस्ताव को अमान्य किए जाने पर जाचक ने आपत्ति दर्ज करवाई। इस पर सदस्य आरजी भोयर ने आपत्ति उठाई। इसमें बबन राव ताईवाड़े और नितिन कोंगरे ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा चर्चा में हिस्सा लेने की वजह से प्रशासन को भी झुकना पड़ा। बाद में प्रस्ताव को सुधार के साथ स्वीकार करने का मान्य किया गया। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।